तो भाइयों सरकार क्षत्रियों का दीपूगढ़ किला जो कि सीकर में है उसकी नीलामी कर रही है। जिस शेखावती का किला है जो कि शेखावत राजपूतों ने बनाया, सीकर के आखिरी महाराजा महाराव कल्याण सिंह शेखावत भी इसी किले में जन्मे पलपे। तो भाइयों आज इस खूबसूरत किला जो कि राजपूत आर्किटेक्ट से बना है उसकी नीलामी की जा रही है। और हमारा क्षत्रिय समाज कितना नामर्द है कि हम कुछ भी नहीं विरोध कर पा रहे हैं। तो भाइयों सरकारों का काम ये होता है कि जिस किले जो महाराजाओं के वंश नहीं हो उस किले को हथियाना, फिर उस पर थोड़ी सी ठीक ठाक करवाना और बाद में उसकी नीलामी कर देना। क्या ऐसी सरकार होनी चाहिए? आप मुझे बताइए। हमने इस सरकार को वोट दिया, सब कुछ दिया, और अब ये कैसे काम कर रही है कि जो किले की ही नीलामी कर रही है। कल को इसका मालिक कोई और बन जाएगा। तो भाइयों अब क्षत्रियों का ये वजूद आ गया कि जहां पर हमारे पूर्वजों ने राज किया तो वो किले नीलाम कर दिए जाएंगे। तो भाइयों ये बहुत ही गलत काम हो रहा है, जो राजपूतों की हवेलियां किले जो नीलाम किए जा रहे हैं। ये महाराजा महाराव कल्याण सिंह शेखावत जिन्होंने सीकर के लिए इतने मंदिर, इतने स्कूल, कॉलेज, सब जमीनें दान दी, पूरा सीकर ही दान दे दिया, तो आज उनकी हवेली नीलाम की जा रही है। तो आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके सबको बताएं कि क्या ये सही है।